विस्मय में है कि हम क्या सुनाएं आपको। ये पावन दरबार बाबा बागेश्वर धाम और धन्य है यहाँ आ करके इस मिट्टी को नमन है वंदन है जहाँ ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया। हमारे आदरणीय सम्माननीय बाबा श्री मैया देन तिवारी जी, सम्मान की श्रृंखला में तमाम हस्तियां बड़ी बड़ी बैठी हैं जिनके सामने हम क्या बोलें और क्या कहें। तमाम हस्तियां तो एक साथ जितने भी हमारे मंच पर मंचासीन कलाकार और कलाकारा बैठी हैं, मैं सभी से आशीर्वाद की कामना कर रही हूं। तमाम दादा लोग हैं हमारे, गुरुवर दादा श्री राज कमल खुरपे जी आपसे आशीर्वाद की कामना कर रही हूं। स्वर्गीय पिता श्री ऋषि विशाला जी, जहाँ भी आप हैं मुझे आशीर्वाद दीजिए और हम बहुत जल्दी में हैं, तो अगर बन जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा, ना बने तो भी दीजिएगा। चाचा जी, तमाम तरह का सुन डाला आप लोगों ने, तमाम तरह के गीत आपने सुने, अब जो मैं सुनाऊंगी उसे भी आप याद करेंगे कि हाँ कुछ सुनाया था। तो एक गीत कभी आया था, चाचा चीटिंग बंद, चीटिंग मतलब बातचीत अब बंद कर दीजिए। हाँ, अब जो भी आपको योजना बनानी है बाद में बनाइएगा, हाँ अब सारे काम बाद में होंगे। और देखिए देश विदेश में हमारी आवाजों को पहुंचाने वाले बहुत ही सुंदर सा चैनल देख रहे हैं, लगा है केस म्यूजिक। चाचा हमारे फिरोजाबाद से चल करके इस जगह आए हैं, इस दरबार में आए हैं चाचा श्री हमारे संजय राठौर जी, मैं उनसे आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। आइए बहुत जल्दी जल्दी में, बिल्कुल समय नहीं लूंगी। एक गीत कभी आया था, फिल्म वालों ने कहा कि हमारा दर्द गम है ये, इसे क्यों आप सहे। कोई दो राय नहीं है हमारे चाचा जी की तरफ से, और
एक बहुमूल्य आशीर्वाद हमारे बड़े भैया श्री नीलेश वाला जी उत्तर प्रदेश कीर्तन उत्थान समिति की ओर से। आप बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं, आपकी ओर से ये 200 पद मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। मैं आपसे आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। तो जो जो हमने साहित्य संता है।
जैसे आपने अभी सुना एक रचना हमारे आदरणीय सम्माननीय हमारे दादाजी विश्वकर्मा दादा, सुनी थी आप लोगों ने, तो आज भी अपनी रचनाओं में जिंदा है। जब भी कहीं गीत उनका बजता है तो लोग कहते हैं ये उनका गाना है, ये नहीं कहते कि वो नहीं है उनका गाना है, लोग कहते हैं ये उनका गाना है, ये हमारे दादा का गाना है। तो समय साहित्य का आदित्य, ये निश्चित है, समय जिस समय सूर्य निकलता है वो भी समय निश्चित है, और जब ढलता है, बात को समझेगा गहराई है, जिस समय सूर्य निकलता है उसका समय निश्चित है, और जब सूर्य ढलता है दादाजी उसका भी समय निश्चित है। तो इसीलिए कि समय साहित्य का आदित्य निश्चित कमल इस्थान ये खाली कभी भी भर नहीं सकता।
दरबार की। बोले बागेश्वर सरकार।